ठीक है, पाकिस्तान का देखो जी अच्छा चल रहा है अभी। मेरा मानना है कि टॉप टू टीमों में से एक, बट इंग्लैंड आगे, इंग्लैंड आगे। पाकिस्तान गया थर्ड से गया सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल उनके लिए डिफरेंट गेम होगी, बिकॉज उम्मीद अब बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। देखो जब मुल्क आपके साथ होता है उससे बड़ी कोई पॉजिटिव खबर नहीं होती, या मतलब ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। इंडिया के साथ भी होता है, आज पाकिस्तान के साथ है, द एंटायर कंट्री इज विद देम। बट जब सेमीफाइनल आता है वो मैच डिफरेंट हो जाता है, जब आपको वर्ल्ड कप दिख रहा होता है सामने, आपको ट्रॉफी दिख रही होती है। हो सकता है ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल हो सकता है। बट उनके लिए मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है कि सेमीफाइनल की लड़ाई शायद, पता नहीं फाइनल ये वो बड़ी बात है। इंग्लैंड 10 जीता था ना, 10 में इंग्लैंड जीता था कॉलिंगवुड की कप्तानी, कॉलिंगवुड। और गुड गेम, गुड टीम। आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये भी आप देखें कि एक फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने, वो ही इज वन ऑफ द राइट नाउ बेस्ट बॉलर्स इन दिस टूर्नामेंट। उनके पास राहुल बैलेंस है। बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस तो आपके हाथ में है ना। मुझे पता है कि इस स्टेज पे जाके प्लेयर नहीं पैदा किए जा सकते, लेकिन बैलेंस तो आपको सोचना था। अब पाकिस्तान की सिलेक्शन की तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, मैंने की थी, हम सब ने की थी, कोई बात, हम सब ने बड़ी क्रिटिसिज्म किया था इनका, ये टीम नहीं चुननी आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, एयरपोर्ट्स। बट उनकी टीम तो चैंपियन टीम बन गई, क्योंकि उनके पास बैलेंस है। हफीज और शोएब मलिक, दे वैरायटी है उनके अटैक में यार। उनके पास पांच बैट्समैन है, उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके पास आसिफ अली है, सातवां उनके पास इमाद है, आठवां उनके पास शादाब है, हसन अली भी बैटिंग करते हैं।